बाहर खड़ी कर दी, निकाले मसा नहीं रहे उधर से। तो अभी है डेट आज है 30 सितंबर 2024। हम लोग हैं शाहजहांपुर के गांधी भवन में और यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है आज उद्यान विभाग की तरफ से आज कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जो कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर आधारित है, जिसमें जो है मुख्य अध्यक्षता रहेगी सीडीओ मैडम की, डॉक्टर अपराजिता सिंह मैम की, और जो सारा कार्यक्रम है उसमें स्टॉल वगैरह लगा दिए हैं हम लोगों ने, वो आप सबको दिखा रहे हैं। अंदर सभागार है गांधी भवन की, वहाँ पे भी चल रहे हैं। ये देखिए हम लोगों ने ये लोगो बनाए थे, ये प्रिंट करवा दिए हैं, ये हिंदी में ये इंग्लिश में, ड्रैगन फ्रूट फार्म। और हमारे साथ में जो है मनोज श्रीवास्तव गुरु जी भी आए हैं, साथ में हैं बंटू दादा जो मथुरा गए थे ड्रैगन फ्रूट के संपर्क में, और पवन भाई हैं उधर, पवन मिश्रा, और ये चाचा सुभाष मिश्रा ये भी खेती कर रहे हैं, राजीव मिश्रा भी आए हैं ये भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। हम सभी लोग यहीं पर हैं और अभी जो मज़ा आने वाला है में जिन्होंने बहुत कम उम्र में ज्ञान प्राप्त की है और ड्रैगन फ्रूट को ड्रैगन फ्रूट से ही बहुत ज्यादा आय इन्होंने अर्जित की है और अपना नाम भी कमाया है। पहले इन्होंने बीटेक के शिक्षा, उसके बाद सभी किसान बंधु एवं अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हूँ जो यहाँ से हमारा गाँव है 50 किलोमीटर की दूरी पर, जलालाबाद से करीब 15 किलोमीटर आगे है, जो तहसील है हमारी जलालाबाद है उससे 15 किलोमीटर आप जाएं तो हमारी ग्राम सभा पड़ती है चिलौवा, केवल नाम चिलौवा, वहीं पे मेरी खेती है। तो ये जो गोष्ठी है, कृषक गोष्ठी है, ये ड्रैगन फ्रूट पर आधारित है, तो हमारी बातचीत का मुख्य मुद्दा जो है वो ड्रैगन फ्रूट ही रहेगा। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी, अपनी स्टोरी साझा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसे सुनकर ड्रैगन फ्रूट से परिचय प्राप्त करें और आप लोग जो है प्रभावित भी होंगे, प्लस कोशिश करेंगे कि अपने खेतों में भी ज्यादा मात्रा में ना सही तो कुछ मात्रा में ड्रैगन फ्रूट लगाया जा सके आपके द्वारा। तो मेरा नाम अंकुल मिश्रा है, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है 2015 से लेकर 2019 के बीच चेन्नई से। तो अधिकांश समय जब हम बताते हैं कि हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है तो लोग बोलते हैं खेती में क्यों हाथ लगाया आपको, लेकिन कंप्यूटर और खेती तो बहुत ही बिगड़ी चीजें हैं, इनका मिला खेल लोग समानता नहीं मानते, बोलते इंजीनियरिंग करिए लोग इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। लेकिन हम अपनी कहानी के द्वारा आपको बताना चाहेंगे कि हमने क्यों इस खेती को चुना और क्यों ये लाभदायक है, जो अन्य किसान भी इसके लिए प्रेरित हो सके। तो 2018 की बात है, उस समय मैं बीटेक के दौरान चेन्नई में था थर्ड ईयर की कॉलेज में, तो पापा से बहुत से बातचीत हुई, तो पापा ने विचार था कि खेती की जाए लेकिन जो धान गेहूँ गन्ने पर आधारित ना हो, क्योंकि उन खेतियों से सिर्फ हमारा पेट भर सकता है, आमदनी आप अच्छी अर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आमदनी ज्यादा प्राप्त करनी है, जैसे मोदी जी का या हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसानों की आय दोगुनी हो जाए, तो हमें नहीं लगता आप धान गेहूँ गन्ने को आप आमदनी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको उन्नत की खेतियों के अपनाना पड़ेगा जिसमें से एक मुख्य फसल ड्रैगन फ्रूट भी है। तो 2018 में हम लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी आधुनिक खेती है, उस समय भारत में जो भी ड्रैगन फ्रूट की खपत थी उसमें आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो है इसकी खेती बृहद मात्रा में अगर न कर पाए, बात अगर नगर की करें 1 एकड़ में, तो 1 एकड़ में इसमें लगते हैं 500 फूल, फूल आधारित खेती है उसमें लगते हैं 500 फूल, हर फूल से 4 फूल के हिसाब से आपकी 1 एकड़ में 2000 फूल आ जाएंगे।
अगर टोटल लागत की बात करें तो आपका पोल बनेगा 300-350 के आसपास, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आपका पोल बनेगा। पौधा होगा 50 रुपए का, पूरे 2000 करोगे तो 1 लाख रुपए का आपका पौधा हो गया। पूरा साल 4 महीने मिला के 50-60 हजार रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो 1 एकड़ की खेती की शुरुआत जो 3-3.5 लाख रुपए से आप लोग कर सकते हैं। सही किसान के लिए सबसे मुश्किल कार्य है, किसान के लिए सबसे मुश्किल कार्य से पोल बनाना है। हमारे यहाँ खेती जो है हमसे बोलते हैं किसान हमारे भी आए, खेत है वो खेती कर सकता है, खेत ना हो तो भी खेती कर सकता है, बिना खेत खेती। भारत में अधिकांश जगहों पर खेती होती है पोल आधारित है, कमों पे खेती होती है, खेतों में खेती होती है। हमारे यहाँ पे स्कूल है वहाँ पे गाँव में उसी के आस पास हम लोगों ने स्कूलों की बाउंड्रियों पर भी, जिस व्यक्ति को व्यापार करना है उसे अपनी सोशल मीडिया पर उपस्थिति बनाना बहुत जरूरी है। अपना ब्रांड अगर बनाना है, अपना लोगो बनाना है, अपनी मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया पर उपस्थित। लेकिन रंग के आधार पर, बाहरी रंग के आधार पर 3 प्रकार से होता है। सामान्यतः इसकी 3 वैरायटी बोली जाती है, जिसका नाम है रेड ड्रैगन फ्रूट, लाल ड्रैगन फ्रूट का नाम है। दूसरा तरीका हो गया जिसके पास किसी के पास दीवारें हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, स्कूल है, कोई आपको दीवार है, उसमें आप दीवार आधारित खेती कर सकते हैं, जिसको वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। तो हम लोगों जो है दीवार पर भी खेती करके उसमें लगातार पौधे लगा के जैसे दीवार किनारे करेगा। पिछले 3 वर्ष हम लोग 80-82 हजार पौधा बिक्री कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अभी अन्य जो अधिकारी हैं वो भी इस पर प्रकाश डालेंगे, सीडियो मैडम इसके बारे में बताएंगी। हमें लगता है अधिकांश जानकारी हमने बता दी है, टेक्निकल जानकारी हमें नहीं दी, फिर भी वो उसके लिए यहाँ पे कृषि विज्ञान के अंदर वरिष्ठ वैज्ञानिक लोग हैं, वो आपको बताएंगे। उद्यान विभाग के अधिकारी का है, वो आपको बताएंगे। हमने अपनी कहानी आपके द्वारा आपके साथ साझा की है, जिससे आप लोग इंस्पायर हो सके, ज्यादा ना लगा सके। अगर किसी कमर्शियली खेती करनी है, कोई सक्षम है तो वो उसे बना दें वो 1 एकड़ करे। अगर वो नहीं सक्षम है तो वो उन्हें आप 10-20-50-100 जितने फूल कम से कम कर पाए वो आप करें। जो भी जो है हमने अपना जो भी पासवर्ड वगैरह था बहुत धीरे बता दिया है, और करीब 20-25 मिनट तक हम बोलते रहे, क्योंकि स्टार्टिंग करनी थी। गोविंद सर बोले कि स्टार्टिंग करनी, तो हम 20-25 मिनट तक सारी स्टोरी वगैरह बताते रहे। अभी सीडियो मैडम नहीं है, वो आ रही होगी थोड़ी देर में। सीडियो मैडम जो है आ चुकी हैं। नमस्ते मैम। सीडी मैडम जो है आ चुके हैं यहाँ पे। मैं अनुरोध करूंगा और जिला उत्तर अधिकारी श्री गोविंद कुमार एक बार दोबारा ताली हो जाए हमारे यहाँ की मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए। उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी सहयानपुर, बहुत ज्यादा आसानी नहीं होती, एक समस्या जो इस बार आई हम लोगों ने बहुत ज्यादा फेस किया। आप लोगों को करना है तरीके से, हम लोग एक और प्रयास के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोग क्या होता है, हमारे शादियों को बाहर आ जाती है, मौसम की मार लग जाती है, फिर आपको कुछ ऐसा
साथ होगा कि इतना मुश्किल नहीं है। मैं इससे पहले आंध्र प्रदेश में कार्यरत थी, तो आंध्र प्रदेश जो है आपको पता होगा भारत में नीचे साउथ में आता है, और वहाँ पर जहाँ पर मैं कार्यरत थी वहाँ की जो भूमि थी, तो इस तरह से अगर आप अपना खेत तैयार करते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि मतलब काफी हद तक आपको मुनाफा और बेहतर हो सकता है। यहाँ पे समृद्ध किसान जो है मौजूद है वो यहाँ पे आए और जिसको भी इंटरेस्ट हो मेरा ऑफिस खुला है और साथ ही साथ डीडी साहब का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस खुला है। हम ऑन ग्राउंड आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे केवीके के अंदर और फील्ड इंस्पेक्शन कराएंगे कि आप अपनी आंखों से देखकर देखो ये खबरें प्रकाशित हुई हैं, ये इधर वाले ने बताई थी। शाहजहांपुर में बहुत से लोग जो है कमाई करने लग रहे हैं, बहुत किफायती से धो रहे हैं, तो किसानों की आय को और ज्यादा डाइवर्स और स्टेबल बनाने के लिए ड्रैगन नोटबुक के समृद्ध किसान को बुलाया गया, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया गया, यही किसानों को मोटिवेट किया गया। ज्यादा नहीं की थोड़े क्षेत्र में खुद उगाएंगे, खुद फल देगी और उसके बाद एरिया विस्तारित कर रहे हैं। जो जो किसान इंटरेस्टेड है इसके अंदर हमने आरएसएम सहायता समूह का भी लाए हैं, तो आगे हम सोच रहे हैं कि कहीं भी अगर छोटी भी चाहिए तो उस हिसाब से हम उनसे जो ज्यादा मोटिवेटेड से ज्यादा उसके अंदर इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं मतलब और बेटर होना चाहिए। इसमें सहायता का ऐसा है कि मतलब लिफ्ट इरीगेशन अगर किसी को करना है तो 10% की नॉमिनल सब्सिडी कॉस्ट पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ऑलरेडी मिलता है, कोई भी अप्लाई करेगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहिए, सभी को कुछ एक साथ देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना। साथ ही साथ फल उगाने का है, इसकी कॉस्ट के 50% तक पौधे मेंटेनेंस जो है खास बात है परंपरागत घर के उसको यूज करके भी आप उसके अंदर जो है खाद का उपयोग कर सकते हैं और परंपरागत खेती का भी अच्छा फॉर्म बन सकते हैं। तो अभी जो हम लोग पूरा सामान वामान हमें सब चीज़ें उठा लिए, तो मैडम उठा तो भी जाना है वहाँ पे प्लांटेशन होना है नवादा इंद्रपुर में जो बाल आश्रम है वहाँ पे। अभी जो है हम लोग हैं यहाँ पे, दो लोग छूट गए और एक लोग बढ़ गए, तो पूरी टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद रहा मनोज गुरु जी, पवन भाई और बंटू दादा सभी का, क्योंकि हम वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता मंच पे जाके उतनी फोटो वीडियो नहीं खींच पाते, प्लस उस एंगल से नहीं खींच पाते हो, तो सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अभी सीडी मैडम का चलो वहाँ पे बाल ग्राह में वहाँ पे पौधे का प्लांटेशन होगा, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। वह बात समझते वो भी जो है सीडी मैडम के असिस्टेंट किशोर साहब का जो फोन आया था, वो लोग जो है पहुँच चुके हैं, हम भी फर्स्ट पहुँचने वाले। तो देखो मैडम गाड़ी खड़ी है, सीडी मैडम की गाड़ी तो हम लोग ही बस पहुंच रहे हैं। चलो हाँ
उसकी रिपीटिंग वैल्यू ज्यादा नहीं, इसका डालो एट जो आदमी लेके जाएगा वो दोबारा नहीं चले जाएगा दोनों, ये आज में डालो तो बार बार अपनी बागवानी कहाँ लगा रखी है मैम? यहाँ से 50 किलोमीटर हमारा गांव है जलालाबाद, साल तक तो फल आता है। खास बात है कि साल 7 बार आता है किसान के पास, 12+7 19 बार कमाई का मौका है इसमें। 7 महीने वो फल की बिक्री करेगा, प्लस 12 महीने वो पौधा की बिक्री कर सकता है। फल आना पौधे की क्षमता पर डिमांड करता है, पौधे की बिक्री किसान की क्षमता पर, जितना भी अपनी मार्केटिंग कर ले। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने 42,000 पौधा बिक्री किया। तो अभी जो है आप लोगों ने देख लिया होगा, ये वाला कार्यक्रम तो हो गया। सीडीओ मैडम चली गई हैं, हम लोगों के बाल सुधार गए हैं, यहाँ पे हैं, वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम हो गया, प्लस महिला आयोग की सदस्य आई, राज्य महिला आयोग की सदस्य लखनऊ से, मैडम का नाम नहीं पता हमें, तो उनके साथ पूरी परिचय था वो सारा बता दिया हमने, और हम लोग यहाँ से निकले। काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम राज का, सीडीओ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तो सपोर्ट किया हमारे कहने पर, उन्होंने जो है ये एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन करवाया। प्लस दूसरा काम ये था कि मैडम ने यहाँ पे बाल गृह में जो है पौधे भी लगवाए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। मैडम ने काफ़ी प्रीता भी दी। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे आए नैनीताल ढाबे पे, उधर वाली पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त रही। उधर जो है आवास कारागार ग्रह में भी हम लोग हो गए, पौधे वौधे लगा दिए, और बिलोधन वाला भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। तो अभी जो कुछ खाना पीना खा पी रहे हैं यहाँ पे, हम बंटू दादा, मनोज गुरु जी, कल्लू और ये पवन भाई, कढ़ाई पनीर और रोटियाँ। तो अभी जो है हम लोग शाहजहाँपुर से आ रहे हैं, बस घर पर पहुँचने वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। सीडीओ मैडम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही, और उन्होंने जो है वहाँ पे जो बाल गृह सुधार गृह है वहाँ पे भी प्लांटेशन करा है। मैडम के साथ जो लखनऊ से आई थी राज्य महिला आयोग की सदस्य मैडम थी उनका नाम, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जिला उद्यान विभाग का और सभी अधिकारियों का, खासकर DHO साहब का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद CDO मैडम का कि उन्होंने हमारी बात को सुना और किसानों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, और हमने भी किसानों को जागरूक करने हेतु उन्हें ड्रैगन फ्रूट से संबंधित बातें बताएं। लगभग 20 मिनट तक हम उनसे बोलते रहे। अगर आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ब्लॉग आते रहेंगे।